आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल Divine Music में। आज मैं आपको बताऊंगी जन्माष्टमी के अगले दिन पूरे विधि विधान से गाज माता की पूजा की जाती है। इस साल जन्माष्टमी 6 सितंबर की है और गाज माता की पूजा 7 सितंबर को की जाएगी और मैं आपको इसकी कथा भी सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। गाज माता की पूजा में एक चकले पर चंदन से गाज देवता बनाए जाते हैं। इसके बाद फिर जितनी गजली थी सभी को रख लेते हैं। एक लोटे में पानी, एक दीपक, एक कटोरा गेहूँ, थोड़ी सी घास व जितनी गाज ली थी उतनी मीठी पूड़ी बनाकर चकले पर रख लिया जाता है। गाज माता की कथा सुनकर पूजा अर्चना करने के बाद पूड़ी मिसरानी को दे देते हैं। गाज माता की पूजा में गजरोटा बनाए जाते हैं। एक सदस्य के हिसाब से 2 गजरोटे रखे जाते हैं। एक गजरोटा फीका, एक गजरोटा मीठा होता है, जिन्हें एक थाली में रखकर पूजा के पास ही रखा जाता है। फिर गाज माता की कथा सुनने के बाद गाज खोलकर अपने दोनों गजरोटों को आप ही खाते हैं। गाज इस तरह से खोलते हैं, दोनों गजरोटों में से छोटे छोटे टुकड़े लेकर साड़ी के पल्लू के कोने में रखते हैं। फिर उस पर दही या रात का पंचामृत डालकर साबुत निगले जाते हैं। ध्यान रहे कि इसे दांतों से नहीं चबाना चाहिए, 2 बार ऐसा ही करते हैं। निगलने से पहले कहते हैं, गाज खोलूं काहे पर, धन पर, दौलत पर, बच्चों पर, सुहाग पर, ससुराल पर, ऐसे एक दूसरे से मिलकर कहते हैं, इसी को गाज खोलना कहते हैं। कथा और पूजा के बाद खुली हुई गाज को घर के बाहर गोबर के अंदर दबा देते हैं। गेहूं भी मिसरानी को दिए जाते हैं। बच्चों की गाज के हिसाब से आटे की मठरी भी बनाते हैं। अब मैं आपको गाज माता की प्राचीन पौराणिक कथा सुनाऊंगी। भादो गर्जी बामनी गाज लेकर आई, बामनी राजा नल की रानी से बोली, गाज ले लो रानी। रानी, गाज कैसे खोली जाती है? तब बामनी ने कहा, 1.25 आटे के 2 गजरोटे बनाए जाते हैं। रानी बोली, 1.25 का बीड़ा तो मुझ पर खाया नहीं जाता, इस पर 1.25 का गजरोला कौन खाएगा? बामनी चली गई। उसके जाने के पश्चात राजा नल पर गरीबी आ गई। एक दिन राजा रानी से बोला, देश छोड़कर परदेश भीख मांगने चलते हैं। पहले राजा अपनी बहन के यहाँ गया। राजा ने दरबारियों से कहा कि हमारी बहन से कह दो कि तेरा भाई आया है। बहन ने दरबारी से पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आया है? दरबारी बोला, बड़ी बुरी हालत में आया है। बहन ने कहा, भाई को कुमार के कमरे में रुकने को बोलो। जब बहन थाली भरकर हीरे जवाहरात और मोती भाई को देने के लिए लाई तो उसके थाल भरे हीरे जवाहरात मोती राख हो गए। राजा उन्हें वहीं गाड़कर आगे चल दिया। आगे चलकर दोनों अपने एक मित्र के यहाँ पहुँचे और कहा, दोस्त, तेरा दोस्त चला आया, आवे महल में। आधी रात के समय रानी ने देखा कि खुंटी पर सोने का हार लटका हुआ, उसकी खुंटी निगले जा रही थी। राजा रानी वहाँ से भी चल दिए। चलते चलते खूब भूख लगने लगी। राजा बोला, तालाब से मछली पकड़ कर लाता हूँ, लेकिन सारी मछली तालाब में ही सरक गई। तीतर पकड़ने के लिए चला तो सारे तीतर उड़ गए। रानी एक तेली के यहाँ पहुँची और नौकरी करने लगी। भादो गर्जी तेलिन के घर बामनी गाज लेकर आई। रानी बोली, हमें भी गाज दे दो। इस पर बामनी बोली, 1.25 का बीड़ा तो तुम पर खाया नहीं जाता, 1.25 का गजरोटा कैसे खाओगी? रानी कंबल से डोरा निकालकर गाज बांध ली। तेली से बोली, आज मुझे जो के बदले 1.25 गेहूं और तेल दे देना। रानी ने गाज खोली, उसके प्रभाव से राजा के दिन बदल गए। एक दिन तेली जब पासे खेलने बाजार जा रहा था तो राजा ने तेली से कहा, मेरे सारे पैसे ले जाओ। राजा ने तेली से कहा, जब इन पासों को चलो तो कहना, चल रे नलुआ के। इस प्रकार तेली जीतता गया। राजा मगध ने पूछा कि ये पासे किसके हैं? फिर तेली ने कहा, ये राजा नल के पासे हैं। दोनों राजाओं की पत्नियां गर्भवती थीं। राजा मगध ने राजा नल से कहा कि अगर तेरे लड़का होगा तो मैं अपनी लड़की का विवाह तेरे लड़के के साथ कर दूंगा। बहुत दिन बीत गए। तब राजा नल रानी से बोला कि रानी, चलो अब हम अपने देश चलते हैं। जब अपने देश के लिए चले तो तालाब से मछलियां निकलकर रानी के पैरों पर लिपटने लगीं। जब दोस्त के घर गया तो जो खुंटी हार को निगल रही थी वो आज हार उगल रही थी। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचा तो खबर दी कि मैं उसी कुमार के घर ही रुकूंगा। थाली भर जो हीरे मोती राख हो गए थे वो फिर से हीरे मोती बन गए। फिर राजा अपनी नगरी पहुँचकर सुखी पूर्वक रहने लगा। हे गाज माता, जैसे कृपा आपने राजा नल पर बनाई ऐसी कृपा सब पर बनाए रखना, सबके घर में बढ़ोतरी करना और सबको सुख समृद्धि धन दौलत देना। धन्यवाद। बोलो गाज माता की जय।